नमस्ते भालू जी। सुबह सुबह इतने अच्छे मौसम में आप कहाँ जा रहे हैं? अरे शुगर, बस सुबह की सैर के लिए जा रहे हैं। ओ ठीक है। सुनो, अरे बच्चों सुनो, क्या तुमने भालू परिवार को देखा है? मैंने अभी किसी को उनके घर में घुसते हुए देखा है। ये नहीं हो सकता, हमने अभी भालू परिवार को सैर के लिए जाते देखा है। अरे सचमुच, मैं पौधों को पानी दे रहा था, तभी सुनहरे बालों वाली एक लड़की को मैंने उनके घर में जाते हुए देखा। दोस्तों हमें जाकर देखना चाहिए कि ये चोर आखिर है कौन। ठीक है, चलते हैं। तुम सब उस लड़की पर नजर रखो, तब तक मैं भालू परिवार को ढूंढता हूँ। रुको दोस्तों, यहाँ तो सचमुच एक लड़की है, वो देखो। क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ शहद चुराने आई है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे चलो अंदर चल के देखते हैं। दरवाजा तो बंद है। शुगर, क्या तुम हमें अंदर ले जा सकते हो? देखें तो वो लड़की चाहती क्या है। ठीक है दोस्तों, मेरा हाथ पकड़ो। चुमंतर चुमंतर। लगता है इसे भूख लगी है। आ, ये तो बहुत गर्म है। ये ठीक है, अरे अब छोटा भालू क्या खाएगा? मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये कुर्सी तो बहुत बड़ी है। ये भी बहुत बड़ी है। अरे वाह, ये एकदम बढ़िया है। मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो थोड़ी देर सो जाती हूँ। बढ़िया। हाँ?
भालू जी, आपके घर में कोई सो रहा है। उसने तो छोटे भालू का दलिया भी खा लिया। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम गोल्डी लॉक है। मैं जंगल में खो गई थी, मुझे भूख लगी थी और थक गई थी। घर का दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। बच्चों, क्या तुम गोल्डी लॉक को उसके घर वापस ले जाओगे? हाँ भालू जी, लेकिन वादा करो तुम दोबारा किसी के घर में बिना पूछे अंदर नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ। दोस्तों, वो देखो मेरा घर। ये हमने तुम्हारा घर ढूंढ लिया। हाँ, तुम सबका धन्यवाद दोस्तों। तुम सब किसी दिन मेरे घर आना, हम सब मिलकर खेलेंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ जरूर आएंगे, लेकिन अभी तो हमें घर वापस जाना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। टाटा। छत इससे पहले कब साफ हुई थी? शायद कुछ साल पहले। अरे देखो, यहाँ कुछ डिब्बों में बहुत सी खास किताबें और प्राचीन कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। अरे वाह, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? हाँ, मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। वैसे अगर हमें सही डिब्बा मिल गया तो उसके अंदर के सामान को देखने में कोई बुराई नहीं है। इस डिब्बे को उठाने में मेरी मदद करो प्लीज, ये बहुत भारी है, ये मुझसे नहीं उठ रहा। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इन चीजों को वापस उन्हीं डिब्बों में रख देते हैं। रुको रुको, मुझे लगता है ये प्राचीन कलाकृतियों वाला डिब्बा है। हाँ, मुझे देखो क्या मिला, ये तो चिराग जैसा लग रहा है। मुझे दिखाओ, ये इतना गंदा क्यों है? चलो साफ कर देता हूँ। अरे नहीं, ये जैक को क्या हुआ? कहाँ गया वो? जैक ने जो किया हम उसका उल्टा करते हैं। उल्टा करें? पर कैसे? जैसे जैक ने चिराग को घिसा था, क्यों ना हम भी इसका उल्टा करें? मैं कोशिश करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ जैक कि तुम वापस आ गए। क्या हुआ? तुमने चिराग को घिसा और तुम गायब हो गए। जो ने उसे फिर से घिसा और तुम वापस आ गए। वाह, मैं कितनी देर के लिए गायब था? बस कुछ ही मिनट के लिए। वैसे तुम्हें क्या हुआ था जैक? दोस्तों, मैं पूरे दिन के लिए गायब हुआ था। मैं आगरबा नाम के एक शहर में पहुंच गया था, जहां अलादीन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता है। वाह, फिर वहां क्या हुआ? ठीक है, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि मैंने क्या देखा। मैं अलादीन के घर पहुँचा। अलादीन और उसकी माँ गरीब हैं और अकेले रहते हैं।
तभी उनके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। वो अलादीन के मामा थे। मेरी बहन, देखो मैं वापस आ गया। ओ भाईजान, आप कहाँ थे? आपको देखे हुए कितने साल हो गए। मैं जानता हूँ बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को इस तरह अकेला छोड़कर चला गया था। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफें हुई हैं और तुम्हारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ भाईजान, हमें बहुत ज्यादा तकलीफें हुई हैं। ओ, मैं इसीलिए आया हूँ। अलादीन को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, मैं इसे काम दूंगा और इसके बदले में अच्छे पैसे भी दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाईजान। अलादीन, अपने मामू जान के साथ जाओ। मामू जान, हम कहाँ जा रहे हैं? चलते चलते बहुत देर हो गई है। मामू जान, हमें चलते चलते बहुत देर हो गई है। हमें वहाँ पहुँचने में और कितना समय लगेगा? बस हम पहुँच गए। तुम्हें जमीन पर वो पत्थर दिखाई दे रहा है? जैसे ही हम उस पत्थर को हटाएंगे, वहाँ एक सुरंग दिखेगी। ये एक बहुत छोटी सुरंग है, केवल तुम ही इसमें जा सकते हो। एक सुरंग? इसमें क्या है? पता चल जाएगा। चलो आओ, पत्थर हटाओ। तुम्हें अंदर क्या दिख रहा है? मामू जान, यहाँ तो हीरे जवाहरात और बहुत सारा खजाना है। ओ, बहुत अच्छा, वो सब मुझे दो भांजे। मामू जान, ये आखिरी थैला है। अब मुझे बाहर निकाल लीजिए मामू जान। ओह, शुक्रिया अलादीन। अब पर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं तो तुम लोगों को मेरे खजाने के बारे में बता दोगे। क्या? नहीं मामू जान, मैं नहीं बताऊंगा। खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, मैं खुद यहाँ से नहीं निकल सकता। मैं जानता हूँ। नहीं मामू जान, आपको खुदा का वास्ता, यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, अंधेरा है? तो ये लो, पुराना चिराग रख लो, शायद इससे तुम्हें थोड़ी रोशनी मिल जाए। मामू जान, मुझे ये पुराना चिराग दे गए हैं, ये चिराग तो जल्दी ही बुझ जाएगा। मैं क्या करूं? ये कितना गंदा है, चलो इसे साफ कर देता हूँ। ओह जी आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? ओह, आप कौन हैं? मैं जिन्न हूँ। हाँ? आपकी ख्वाहिशों को पूरा करना मेरा फर्ज है। ठीक है, क्या आप मुझे इस सुरंग को खोलकर यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? जो हुक्म मेरे आका। हाँ? वो बाहर निकलने ही वाले थे कि मैं वापस यहाँ आ गया। वाओ! मैं सोच रही हूँ वो जिन्न कौन था।
अगर हम चिराग में दोबारा चलें तो? हाँ चलो चलते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना मतलबी निकलेगा। फिक्र मत कीजिए अम्मी, अब हमारे पास चिराग है, अब हमें गरीबी में जिंदगी नहीं बितानी पड़ेगी। जिन, आप हमें अमीर बना दीजिए। जो हुक्म मेरे आका। जैस्मिन, मैं व्यापार करने के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने चिराग को अलमारी में रख दिया है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। सुनो बेटा, मैं अलादीन का मामा हूँ। वो क्या है कि अलादीन के पास मेरी एक चीज है। मुझे पता है आप कौन हैं। अलादीन के पास आपकी कोई चीज नहीं है, आपने उसे एक सुरंग में छोड़ दिया था। मुझे तुम्हारी बातों की कोई परवाह नहीं, मुझे जो चाहिए वो मुझे दिख रहा है और मैं इसे ले जा रहा हूँ। क्या हुक्म है मेरे आका? इस घर को रेगिस्तान में ले चलो। हाँ? हम रेगिस्तान के बीच में हैं। अलादीन हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब तुम मेरी दासी हो जैस्मिन, जैसा कहता हूँ वैसा करो वरना मैं अलादीन को मार दूंगा। जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। जी मामू जान। ओह।
बहुत बढ़िया, खाना स्वादिष्ट लग रहा है। इसके साथ ये शराब लीजिए। और लीजिए मामूजान। मुझे नहीं लगता मुझे और शराब पीनी चाहिए। बस एक गिलास और मामूजान। क्या हुक्म है मेरे आका? जिन, ये सब कुछ जैसे पहले था वैसा ही कर दो। जो हुक्म मेरे आका। हम यहाँ वापस कैसे आ गए? लगता है उसने जिन्न को सब कुछ पहले जैसा करने को कहा, इसलिए हम भी अपनी सही जगह और समय में पहुंच गए। अरे वाह, ये कितना रोमांचक था ना? ठीक कह रहे हो शुगर, अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगा तो दोबारा चलें। अरे नहीं नहीं नहीं, अगली बार से मैं इसके बारे में किताब में ही पढ़ लूंगा। अरे प्यारी राजकुमारी, तुम अपने खिलौनों से क्यों नहीं खेल रही हो? वो पुराने हो गए हैं, मैं उन सब के साथ खेल चुकी हूँ, मुझे कुछ नया चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे महंगा खिलौना दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम उसे तोड़ो या खोगी नहीं। जी पापा, मैं वादा करती हूँ। अच्छा ये लो। धन्यवाद पापा। देखो, राजकुमारी के पास आज नया खिलौना है। फिर से। अरे दोस्तों, पापा ने मुझे ये महंगी गेंद दी है। आओ, खेलते हैं। ठीक है। मैं गेंद को सबसे ऊंचा और दूर तक फेंक सकती हूँ। देखो। मुझे गेंद दिखाई नहीं दे रही, ये तालाब गहरा लगता है। गेंद को वापस पाने का कोई तरीका तो जरूर होगा। लगता है ये मेंढक कुछ कहना चाहता है। वाह प्यारी राजकुमारी,
मैं आपकी गेंद ला सकता हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। हाँ हाँ, मैं अपनी सुनहरी गेंद के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे मेरी गेंद वापस चाहिए अभी। धन्यवाद मेंढक, मेरे खाना खाने का समय हो गया है, कल मिलते हैं दोस्तों। लेकिन राजकुमारी, आपका वादा। ये तो गलत है, अरे वो राजकुमारी है। अरे अरे बेचारा मेंढक। अरे छोटे मेंढक, तुम हमारी भाषा समझो और बोल कैसे पा रहे हो? और बताओ तुम राजकुमारी से क्या कहना चाहते थे? मैं एक राजकुमार था, लेकिन एक चुड़ैल ने मुझे शाप दे दिया और मैं मेंढक बन गया। अगर कोई राजकुमारी पूरे 3 दिन तक मेरी देखभाल करे, तभी मैं फिर से राजकुमार बन सकता हूँ। मैं उस दिन का कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे प्यारे मेंढक, तुम्हें इस बारे में राजकुमारी को बताना चाहिए। वो मेरा भरोसा नहीं करेगी, पर मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब मुझे खुद ही महल में जाना होगा। ए छोटे मेंढक, तुम्हें क्या चाहिए? मैं यहाँ राजकुमारी से मिलने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। ठीक है। खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, क्या मुझे भी आपके साथ खाने की इजाजत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें परेशान करने की? महाराज, मैंने राजकुमारी की मदद की और राजकुमारी ने वादा किया था कि वो मेरे लिए कुछ भी करेंगी। बेटी, ये मेंढक किस बारे में बात कर रहा है? पापा, मेंढक ने तालाब से मेरी गेंद निकालने में मदद की थी। मैंने वादा किया था जो ये कहेगा वो मैं करूँगी। लेकिन इसके बाद ये यहाँ वापस आ गई, इसलिए मुझे यहाँ खुद ही चलकर आना पड़ा। बेटा, अपना वादा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जी पापा। Mm-hmm.
हाँ, तुम कौन हो? धन्यवाद राजकुमारी, आपने मुझे शाप से मुक्त कर दिया है। मैं कुछ समझी नहीं। आपको वो मेंढक ध्यान है जो यहाँ आकर 3 दिन तक रुका था? वो मैं ही था। हाँ? एक चुड़ैल ने मुझे शाप दिया था और वो तभी खत्म होता जब एक राजकुमारी मेरा ख्याल रखे, और आपने ऐसा ही किया। मैं आपका आभारी हूँ राजकुमारी। अरे छोटे मेंढक, तुम तो बहुत सुंदर हो, मेरा मतलब राजकुमार। धन्यवाद महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे आपकी प्यारी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं उसे अपने महल ले जाकर उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल राजकुमार, तुम्हें इजाजत है। प्रिय राजकुमारी, क्या आप मेरी रानी बनना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। अलविदा दोस्तों, आशा करती हूँ फिर मिलेंगे। अलविदा राजकुमारी। अरे समझ ही नहीं आ रहा उस मेंढक का क्या हुआ। अरे मेंढक ने अपने राजकुमार होने के बारे में बताया था ना। दोस्तों मुझे लगता है वो वही है जो राजकुमारी के साथ है। दोस्तों वैसे वो राजकुमार बनकर ज्यादा अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों। हेलो शुगर, तुम सब विश्वास नहीं करोगे मुझे क्या मिला। वो क्या है शुगर? मैंने जंगल के बीच में एक अजीब सी और बहुत ऊंची मीनार देखी। उसमें कोई दरवाजा या सीढ़ियां नहीं है, सिर्फ एक खिड़की है। ओ, लेकिन उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की है। ऐसी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या सचमुच उसके सुंदर लंबे और सुनहरे बाल भी हैं? हाँ हाँ, इतने लंबे कि पहले मैंने सोचा कि वो एक रस्सी है। शुगर, तुमने डायन की छिपी हुई मीनार और उस लड़की को ढूंढ निकाला है जिसे वो अपने पड़ोस में से कई साल पहले चुरा ले गई थी। ये तुम क्या कह रही हो जून? मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी हमें जल्दी से उस मीनार के पास पहुँचना चाहिए। शुगर, क्या तुम हमें रास्ता दिखाओगे? हाँ हाँ, चलो चलें। तो जो कहानी मैंने सुनी है वो है, एक बार की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। काफी सालों के इंतजार के बाद उनके घर पर एक संतान होने वाली थी। उनके घर के पास एक दुष्ट डायन रहती थी। उसके बगीचे में फल, सब्जियां और कई तरह की जड़ी बूटियां उगी हुई थी। एक शाम जब वो महिला खिड़की के पास खड़ी थी, उसने अपने पति से कहा, सुनिए, अपने पड़ोसी के बगीचे के रैम्पियंस खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है, मेरे लिए थोड़े से ले आइए ना। लेकिन मेरी जान, वो डायन किसी को अपने बगीचे में घुसने तक नहीं देती, फिर मैं तुम्हारे लिए रैम्पियंस कैसे लाऊं? मुझे पता है ये काम मुश्किल है, पर प्लीज क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते?
तुमने मेरे बगीचे में चोरी करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इस चोरी के बदले मुझे अपना पहला बच्चा देना होगा। और जैसा उसने कहा था, कुछ महीनों के बाद जब उनका पहला बच्चा यानी खूबसूरत लड़की हुई तो डायन उनके दरवाजे पर आ गई। उन्होंने उससे माफ कर देने को कहा पर उसने नहीं सुना। उसने छोटी बच्ची को लिया और चली गई। तब तक उस बच्ची को किसी ने नहीं देखा था। उसने उसका नाम रूपांजल रखा और उसे जंगल में एक ऊंची मीनार में छिपा दिया जिसमें ना कोई सीढ़ियां थी ना ही कोई दरवाजा। उसमें सिर्फ एक खिड़की थी। सिर्फ वो डायन ही थी जिसे रापुंजल देख पाती थी, वो भी तब जब उसे खाना या कपड़े देने आती थी। रापुंजल, रापुंजल, अपने सुंदर बालों को नीचे करो मेरी बच्ची, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। हेलो माँ। कैसी हो मेरी प्यारी बच्ची? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या हुआ, क्या बात है मेरी प्यारी बच्ची? क्या तुम अपने नए उपहारों से खुश नहीं हो? अरे नहीं माँ, ये अच्छे हैं, मुझे पसंद है, धन्यवाद। फिर क्या बात है? मैं तो बस यही सोच रही थी कि इन कपड़ों का क्या फायदा जब मैं इन्हें पहनकर कहीं बाहर नहीं जा सकती। इतनी सुंदर चीजें होने का क्या फायदा जब मैंने किसी के साथ बांट नहीं सकती। रापुंजल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लोगों से मिलने के बारे में मैं कोई और बात नहीं करूंगी। ये दुनिया तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बच्ची। तुम्हारी जैसी प्यारी बच्ची के लिए इस दुनिया में बहुत खतरे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें सबसे अलग रखा है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। ठीक है मेरी बच्ची, अब मैं जाती हूँ, पर मैं कल फिर वापस आऊंगी। रापुंजल, रापुंजल, अपने बालों को नीचे करो मेरी बच्ची, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। आप कौन हैं? मैं राजकुमार चार्मिंग हूँ और डायन ने जो आपके साथ किया है मैं जानता हूँ। मैं आपको इस मीनार से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। रापुंजल, 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 अपने बालों को नीचे करो मेरी बच्ची, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। ओह माँ, आप इतने भारी और मेरे राजकुमार इतने हल्के कैसे हैं? तुमने किसी को मीनार में आने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम अपने राजकुमार को दोबारा कभी नहीं देखोगी और तुम इस मीनार में कभी वापस नहीं आओगी। ओ,
जल्दी चलो, उन झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। खिड़की पर तो डायन है। रूपांसल कहाँ है? मुझे वो दिख नहीं रही है। रूपांसल, रूपांसल, अपने बालों को नीचे करो मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारा राजकुमार। अरे नहीं, ये चाल है, राजकुमार इससे मुसीबत में पड़ जाएंगे। सब चुप रहो, हिलो मत, हो सकता है वो डायन को हरा दे। रूपांसल कहाँ है? तुम कौन हो? तुमने उसके बालों के साथ क्या किया है? अरे ना समझ, तुमने सोचा था कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगे? मैंने उसे जंगल में भेज दिया है, पर तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे और तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे, और जो भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा उसका भी वही हाल होगा। रूपांसल, रूपांसल, हम उसकी मदद नहीं कर सकते, पर ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, हम उसके पीछे जा सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं सारी जिंदगी उस मीनार से बाहर आने और इस दुनिया को देखने का इंतजार करती रही, लेकिन मेरे राजकुमार के बिना ये दुनिया वैसी सुंदर नहीं लग रही जैसा मैंने सोचा था। कहाँ होंगे मेरे राजकुमार? कौन है वहाँ? ओ नहीं, आपको क्या हो गया मेरे प्रिय राजकुमार? मेरी प्यारी रूपांसल, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, पर ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे बचाया है। हम मेरे महल चलेंगे और वहां जाकर शादी कर लेंगे। सच? अरे देखा तुमने, ये तो कमाल हो गया। ओह, कितना अच्छा हुआ ना, अब वो दोनों सुरक्षित हैं और शादी कर लेंगे। हाँ, मैं उनकी शादी को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। आओ वापस चलते हैं और बुलावे का इंतजार करते हैं।